की समस्याओं को सुलझाने में हम शिवाजी के अनुगामी हो रहे हैं। वे घोड़े पर सोते थे, वे घोड़े पर सोते थे, हम घोड़े बेच कर सो रहे हैं। एक गुस्ताखी कर रहा हूँ, एक गुस्ताखी कर रहा हूँ, शायद वो माफ हो जाए। आज तक वो वॉशिंग मशीन नहीं बनी जिसमें गंदी राजनीति साफ हो जाए। क्या कहने? तभी एक शख्स झल्ला कर बोला, कहीं तूने भांग तो नहीं पी? जानता है उस वॉशिंग मशीन का नाम है बीजेपी। आलू डाल मशीन में सोना बनाइए, समृद्ध हो जाइए, सोचना सब छोड़कर भांग को दबाइए, होली मनाइए। ओ 21वीं सदी के भारत, नाहक जीएसटी मत लगाइए, ऐसी मशीन और प्लांट लगाइए, जीडीपी बढ़ाइए, पैसा उगाइए, सोना उगाइए, समृद्ध हो जाइए। डॉक्टर सारे हो रहे नर्सिंग के अवतार, पेट फाड़ कर पूछते क्या देगा बीमार, क्या देगा बीमार, लाख का चेक भुना ले, वरना हम हैं यमतु रिश्तेदार बुला ले। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। लोकमत के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उड़ता गुलाल, थिरकते कदम और गूंजते फाग के गीत, उमंग और उत्साह के इस पर्व पर होली आई रे। लेकिन मौसम चुनावी हो चला है और चुनावी मौसम में नेताओं के बदलने लगे हैं चुनावी ढंग, और जनता किसके ऊपर फेंकेगी सुर्ख सियासी रंग, ये हम जानेंगे व्यंग्यकारों और कवियों के साथ। हमारे साथ पूरी टोली मौजूद है क्योंकि मौसम चुनावी हो चला है और ऐसे में व्यंग्यकार अपने शब्दों में किस तरीके से इस बार की होली और चुनाव को देखते हैं, हम यहाँ उन तमाम साहित्यकारों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है, पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मीनू पांडे जी, इसके अलावा विजय तिवारी जी, सुधा दुबे जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, कुसुम श्रीवास्तव, रेखा वर्मा जी और रजनी वर्मा। ये तमाम साहित्यकार हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस बार फाग पर गीतों से समा बंधने वाला है, किस तरह की होली रहने वाली है और खास तौर पर चुनावी मौसम में नेताओं की होली कैसे रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत फाग गीतों से करेंगे क्योंकि होली का समय है, तो इस बार होली काफ़ी खास मानी जा रही है। और आप लोगों ने क्या इस बार होली के लिए तैयार किया, कुछ ऐसा जो होली के लिए आप लोगों ने तैयार किया हो? होली के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ तैयार किया है। एक तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में रंगों का बहुत महत्व है हम लोगों का। तो रंगों का, हर एक रंग का महत्व है, जो भगवान को भी चढ़ते हैं वो रंग महत्व है, तो हर रंग का है। तो हम लोग रंग बिरंगी होली है हमारी, जो हमारी बसंत से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि बसंत जो है हमारा ऐसा महोत्सव है, बसंत जो है जहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो वहीं से हमको संदेश मिल जाता है इस फाग का। तो इसी संदेश को लेकर हम आए हैं फाग के गीत के, एक अपना फाग गीत के साथ हम ये आपको एक सुनाना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फाग गीत। हाँ, चलिए हमारे साथ रजनी जी और रेखा जी हैं जो हमारे साथ फाग गीत शुरू करेंगे। हमारी आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और एक बहुत प्यारा सा एक फाग गीत आपको सुनाएंगे। मोपे रंगाल डारो सावरिया, मोपे रंगाल डारो सावरिया, मोपे रंगाल डारो सावरिया, मोपे रंगाल डारो सावरिया। काहे के रस रंगा बनाए, काहे के रस रंगा बनाए, काहे की पिचकारी लला रे, काहे की पिचकारी लला, मोपे रंगा नडारो सावरिया। मैं तो उतर में बीजी लला, मैं तो उतर में बीजी लला, मोपे रंगा नडारो सावरिया, मोपे रंगा नडारो सावरिया, मोपे रंगा नडारो सावरिया। केसर के रस रंगा बनाए, केसर के रस रंगा बनाए, सोने की पिचकारी लला, अरे सोने की पिचकारी लला, मोपे रंगा नडारो
सावरिया मो पेरंगा लडारो, सावरिया मो पेरंगा लडारो, सावरिया भर पिचकारी मुको तन मुख मारी, भर पिचकारी मोरे तन मुख मारी, ओ मोरे घंगटे की, ओ मोरे घंगटे की शोभा निगाड़ी लला मो पेरंगा नडारो, सावरिया मो पेरंगा नडारो, सावरिया मो पेरंगा नडारो, सावरिया दूजी पिचकारी मोरी चुनरी पे मारी, दूजी पिचकारी मेरी चुनरी पे मारी, भर पिचकारी मोरी चुनरी पे मारी, भर पिचकारी मोरी चुनरी पे मारी, चुनरी की शोभा बिगाड़ी लला, अरे चुनरी की शोभा बिगाड़ी लला, मो पे रंगा लडारो सावरिया, मो पे रंगा लडारो सावरिया, मो पे रंगा लडारो सावरिया, मैं तो ऊते अतर में बीजी लला, मैं तो ऊते अतर में बीजी लला, मो पे रंगा लडारो सावरिया, मो पे रंगा लडारो सावरिया, मो पे रंगा लडारो सावरिया। बहुत खूब ये उमंग और उत्साह है रंगों का जो इन फाग गीतों में सुनाई देता है, गूंजता हुआ दिखाई देता है। और इस समय हम आपको बता दें कि भोपाल के बड़े तालाब पर मौजूद हैं नौका, ये एक तरीके से नौका विहार इसको कहा जा सकता है, क्योंकि होली का पर्व है और भोपाल में बड़े तालाब की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो नाव पर इस समय हमारी पूरी टीम मौजूद है, लेकिन इस होली के मौके पर व्यंग्यकार अपनी नजरियों से क्या देखते हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए विजय तिवारी जी के पास चलते हैं। विजय तिवारी जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का चुनाव इस बार उनको नजर आता है। तो विजय जी, मौसम तो चुनाव का हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके नजरिए से इस बार का चुनाव, इस बार की होली और इस बार की राजनीति क्या कहती हुई नजर आ रही है? जी, मैं पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारी बहनों ने, भाभी जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया फाग का, बधाई उनको। और मैं चूंकि शायर हूँ तो एक दो शेर सुनाता हूँ, फिर कुछ पुराने व्यंग सुनाऊंगा जो जब कभी हुआ करता था तो सुनाता था, उसमें सब आ जाएगा राजनीति और रंग। तो एक शेर कहा है जी, तो एक शेर कहा है, कसम झूठे मुनाफिक बेवफा कमजर्फ नेता की, कसम झूठे मुनाफिक बेवफा कमजर्फ नेता की, सियासत में कभी कोई किसी का हो नहीं सकता, सियासत में कभी कोई किसी का हो नहीं सकता। जी धन्यवाद। और मैं जो है कुछ पुराने क्या कुंडलियाँ सुनाता हूँ आपको, तो उसमें कई लोगों को प्रणाम करूँगा। सबसे पहले राजनीति को ही करता हूँ कि राजनीति है आजकल अति उत्तम व्यवसाय, हींग लगे ना फिटकरी लक्ष्मी सदा सहाय, राजनीति है आजकल अति उत्तम व्यवसाय, हींग लगे ना फिटकरी लक्ष्मी सदा सहाय, लक्ष्मी सदा सहाय कमाए माल लपक के, और जनता के सेवक कहलाए चोर उचक के, जनता के सेवक कहलाए चोर उचक के। अब मैं इस देश के एक बड़ी रीढ़ की हड्डी, वैसे बोला जाता है बड़े अफसरों को, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बड़े नहीं, वो बाबू है, वो हड्डी तो चूर चूर हो गए बाबू, तो उनके लिए उनको प्रणाम करता हूँ, देश के बाबुओं को, कि आधा छुट्टी में गया आधे में हड़ताल, वेतन फोकट मिल गया बीत गया यूं साल,
आधा छुट्टी में गया, आधे में हड़ताल, वेतन फोकट मिल गया, बीत गया यूं साल, बीत गया यूं साल, भला हो रिश्वत दाता, वरना क्या बाबू एक दिन भी दफ्तर आता वरना क्या बाबू एक दिन भी दफ्तर आता। अब जो है बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अनुराग जी, उनको सुनाइएगा आप कि नौकर बंगला गाड़िया सब ऐशो आराम, समझ ना आया आज तक करते क्या ये काम। नौकर बंगला गाड़िया सब ऐशो आराम, समझ ना आया आज तक करते क्या यू ये काम, करते या क्या ये काम, गरीब साइकिल को मरता, इनका टॉमी आई कौन में सुसु करता। और अपनी बहनों से क्षमा के साथ, अभी महिला विश्व दिवस आया था तो महिला विश्व दिवस करे नर जाति का नाश। अच्छा, महिला विश्व दिवस करे नर जाति का नाश, महिला चंडी हो रही नर चरणों का दास, नर चरणों का दास दे रहा किचन में तड़के, और 50% मांगे चंडी छाती चढ़ के। डॉक्टर सारे हो रहे नर्सिंग के अवतार, उनको प्रणाम करते चले। डॉक्टर सारे हो रहे नर्सिंग के अवतार, पेट फाड़ कर पूछते क्या देगा बीमार, क्या देगा बीमार, लाख का चेक भुना ले, वरना हम हैं यम तू रिश्तेदार बुला ले, वरना हम हैं यम तू रिश्तेदार बुला ले। और चार पंक्तियां पेश करता हूं कि जितना चाहे कीजिए रेप डकैती खून, जब तक मेरी जेब में है अंधा कानून। अपने वकील भाइयों को प्रणाम कर रहा हूँ कि जी कि जितना चाहे कीजिए रैप डकैती खून, जब तक मेरी जेब में है अंधा कानून, है अंधा कानून, न लगने दूंगा फंदा, सत्य अहिंसा के खिलाफ है अपना धंधा, सत्य अहिंसा के खिलाफ है अपना धंधा। और व्यापम से लेकर तमाम जो घोटाले देश में होते रहते हैं, जो तराजू था वो तो अब उसमें से आंखों की पट्टी का तो हटा दी गई है। जी हाँ, तो उसके मैं उसके लिए जो है आपको उसके लिए भी कुछ सुनाऊंगा। पहले ये चार पंक्तियां कि जब से विद्या ने चखा लक्ष्मी जी का भोग, जब से विद्या ने चखा लक्ष्मी जी का भोग, MBBS हो रहे ऐरे गहरे लोग, जब से विद्या ने चखा लक्ष्मी जी का भोग, MBBS हो रहे ऐरे गहरे लोग, ऐरे गहरे लोग खोल बैठे शालाएं, विद्यार्थी निकल रही डालो मालाएं, विद्यार्थी निकल रही डालो मालाएं। और आपने क्या कहा उसके लिए मुझे याद आ रहा है कि बुद्धिमान घर में सड़ो, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो मैं कहना चाहता हूँ होता भी यही है कि बुद्धिमान घर में सड़ो, मंद बुद्धि आ जाओ, पैसा दारू बट रहा आओ बटन दबाओ, बुद्धिमान घर में सड़ो मंद बुद्धि आ जाओ, पैसा दारू बट रहा आओ बटन दबाओ, आओ बटन दबाओ, भूल गरीबी फाका, और खबरदार जो 5 साल बंगले में झांका, खबरदार जो 5 साल। आज की जो महंगाई है उस पर चार पंक्तियां कि रूठी पत्नी से करे पति देव मनुहार, रूठी पत्नी से करे पति देव मनुहार, पेट्रोल डीजल सा बढ़े डार्लिंग अपना प्यार, रूठी पत्नी से करे पति देव मनुहार, पेट्रोल डीजल सा बढ़े डार्लिंग अपना प्यार, डार्लिंग अपना प्यार बढ़े जो रेल के भाड़े, हम दोनों की सांस अगर ना आए आड़े, हम दोनों की सांस अगर ना आए आड़े। समय हो तो एक गीत के दो बंद सुनाना चाहता हूँ। देश दिया था, मेरे देश के नेताओं को समर्पित है, देश दिया था तारण तुमको, तार तार कर दिया देश को,
देश दिया था तारण तुमको, तार तार कर दिया देश को, बागड़ ही जब खेत खा रही क्या कर लोगे यार, वारे नेता तेरी महिमा अपरंपार, वारे नेता तेरी महिमा अपरंपार। समय कम है इसलिए दो ही बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वोट दिखे तो मोर हो गए नेताओं का मन, वोट दिखे तो मोर हो गए, वादों में चित चोर हो गए, वोट दिखे तो मोर हो गए, वादों में चित चोर हो गए, मंत्री बनते ही भैया तुम चंदा हम चकोर हो गए, वोट दिखे तो मोर हो गए, वादों में चित चोर हो गए, मंत्री बनते ही भैया तुम चंदा हम चकोर हो गए, दूर से देखें और ललचाएं, दूर से देखें और ललचाएं, बीच में पहरेदार, वारे नेता तेरी महिमा परंपार, वारे नेता तेरी महिमा परंपार। अंतिम बंद उसका, तुमको अपना बेचारे जो कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा दुख कार्यकर्ताओं का होता है, डंडे वो खाएं, लाठी वो खाएं, जेल वो जाएं, सड़कों पे आंदोलन करें, माँ बाप की दवाई छोड़ के, जो उनकी सेवा छोड़ के नेताओं की सेवा में लग जाएं, हासिल कुछ नहीं होता। तो तुमको अपना समझा प्यारे, खूब लगाए झंडे नारे, तुमको अपना समझा प्यारे, खूब लगाए झंडे नारे, हम छर्रे तो वही डरे हैं, हुए तुम्हारे वारे नारे, तुमको अपना समझा प्यारे, खूब लगाए झंडे नारे, हम छर्रे तो वही डरे हैं, हुए तुम्हारे वारे नारे, आवेदन ले ढूंढ रहे हैं, आवेदन ले ढूंढ रहे हैं, कहाँ छुप गए यार, वारे नेता तेरी महिमा परंपार, वारे नेता तेरी महिमा परंपार। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तिवारी जी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आता है तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं की याद एकदम से आ जाती है, और कार्यकर्ताओं के घर भी नेता जो है वो चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रंग हमें जीवन के दर्शन कराता है, और इन्हीं कुछ नए रंगों को अपने शब्दों में लेकर किस तरीके से मीनू पांडे जी बताएंगी कि किस तरीके से इस बार वो अपने नज़रिए से देखती हैं कि किस बार, इस बार की होली किस तरीके से आपको नज़र आ रही है, खासतौर पर चुनाव और राजनीति। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर मीनू पांडे। आजकल जो नरेटिव का जो युद्ध चल रहा है, पहले उसके बारे में कुछ कहती हूँ। काहे तुम इतना रोते हो, काहे तुम इतना रोते हो, समस्या ओढ़ कर सोते हो, काहे तुम इतना रोते हो, समस्या ओढ़ कर सोते हो, नैरेटिव उछालिए, लोगों को उलझाइए, फील गुड पाइए, होली को मनाइए, फील गुड पाइए, होली को मनाइए। इंडिया समृद्ध है, इंडिया समृद्ध है, 77 वर्षों का जवां वृद्ध है, रंग भी मुजाज भी, शुरूर सा शबाब भी, इसी पर पार्टी को आप भी बनाइए, फील गुड पाइए, आप अपनाइए, फील गुड पाइए, होली यूं मनाइए। काहे भारत भारत कहते, काहे भारत भारत कहते, वर्षों पुरानी इबारत कहते, सनातन की रट ना लगाइए, गड़े मुर्दे नहीं चाहिए, मुंह पे ताला लगाइए, फील गुड पाइए, नैरेटिव उछालिए, लोगों को उलझाइए, फील गुड पाइए, होली मनाइए। करप्शन करिए उससे नहीं डरिए, करप्शन करिए उससे नहीं डरिए, रोज पार्टी कीजिए, रोज ही खाइए, समस्याओं को सारी हवा में उड़ाइए, फील गुड पाइए, होली को मनाइए। जनता है बेवकूफ, सोचती कहाँ है खूब, जनता है बेवकूफ, सोचती कहाँ है खूब, टैक्स जमा कीजिए, मुफ्त योजनाएं लुटाइए, फ्री में बिजली और पानी, नई हो शुरू कहानी, फ्री में बिजली और पानी, नई हो शुरू कहानी, देश को बेचिए, पैसा कमाइए, फील गुड पाइए, होली को मनाइए। जब भी चुनाव आए, जब भी चुनाव आए, खूब गुण स्वयं के गाएं, जब भी चुनाव आए,
खूब गुण स्वयं के गाएं, जनता है भगवान पैर धोके पी जाएं, पैर धोके पी जाएं, बाद में है आप राजा बजाएं सभी का बाजा, टेंटुआ दबाइए मंद मुस्काइए फील गुड पाइए, टेंटुआ दबाइए फील गुड पाइए। अब एक और आपके समक्ष रचना रखती हूँ। भारत में वित्तीय समस्याएं अनेक हैं, आजकल का हर जगह आप देखेंगे यही डिस्कशन चलता रहता है। भारत में वित्तीय समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, समाधान एक है। सुनो भाई, क्या आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं, ये समाधान आपको याद आ जाएंगे। आलू डाल मशीन में सोना बनाइए समृद्ध हो जाइए, आलू डाल मशीन में सोना बनाइए समृद्ध हो जाइए, सोचना सब छोड़कर भांग को दबाइए होली मनाइए। ओ 21वीं सदी के भारत, नाहक जीएसटी मत लगाइए, ऐसी मशीन और प्लांट लगाइए, ऐसी मशीन और प्लांट लगाइए, जीडीपी बढ़ाइए, पैसा उगाइए, सोना उगाइए, समृद्ध हो जाइए। बेचते रहोगे आटे को जो किलो में, बेचते रहोगे आटे को जो किलो में, समस्याएं ही समस्याएं राज करेंगी दिलों में, एक बार आटे को लीटर में बिकवाइए समृद्ध हो जाइए, समृद्ध हो जाइए। मोदी जी को सलाह दे रहे हैं, काहे विदेश जाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, बदले में नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। भारत भ्रमण करें, इंडिया जोड़ो यात्रा करें, कुटिया में जाके भोजन करें, देश का पैसा देश में लगाइए, समृद्ध हो जाइए। नया नया बयान आया है भाई, नया नया बयान आया है भाई, शक्ति को कुचलिए, शक्ति को दबाइए, शक्ति को कुचलिए, शक्ति को दबाइए, शक्ति से ही लड़कर शक्ति को हराइए, समृद्ध हो जाइए, समृद्ध हो जाइए। एक थोड़ा सा पुराना है, एक दो महीने पुराने की जो हमारे मध्य प्रदेश का हाल है वो थोड़ा सुनाती हूँ आपको। हमारे भैया की किस्मत दगा दे गई, हमारे भैया की किस्मत दगा दे गई, मन में सोची थी, मन में सोची थी, मन की मन में रह गई, हमारे भैया की किस्मत दगा दे गई। हम लाडली बहना के प्यारे, शिवराज आए भैया हमारे, जानो कितो दिमाग लगाओ, योजनाओं को अंबार लगाओ, जन जन खो के तो समझाओ, हर योजना को लाभ बताओ, हम बैनन सो साथ निभाओ, उन्हीं के नाम को बटन दबाओ, उन्हीं के नाम को बटन दबाओ। मनो जोका होगा, मोदी जी तुमने जोका कर डारे, शिखो मोहन ने तुमने बदल डारे, शिखो मोहन ने तुमने बदल डारे, हम बैनन की आस टूट के रह गई, हमारे बस भैया की किस्मत दगा दे गई। देखो देश ने काका प्रगति करी थी, चंद्रयान मामा के घर पहुंच गयो, आदित्य भी सूरज को छू गयो, भांजियन ने सो झंडा गाड़े, इतने मेडल जीते छप्पड़ फारे, खुवई बिटियन के ब्याह कराए, कितन खो आवाज दिलाए, भांजन खो कछु करवे की सोची थी, बो मौका हाथ ही मैंने आओ, खुवैया नाज है हमें हमारे भैया पे, भाभी सो बहुत ही है प्यारी, सपनन के टूटवे पे भी हंसती बे रह गई, हमारी भैया की किस्मत दगा दे गई, मन में सोची थी मन की मन में ही रह गई। कितनी अच्छी सड़कें बनाई, अमेरिका तक खो फैल कर दो, हाँ कितनी अच्छी सड़कें बनाई, मेट्रो की जगह जगह खुदवाई, जो अलग बात है कि अभी तक नहीं बन पाई, अब क्या करें, उन्हें अपने हाथ से थोड़ी है करने सब काम, आईटी पार्क तक बना डारे, अब सबरी कंपनी इंदौर चली गई तो बेका करें, कितने 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 की दौड़ लगाई, सासों एक पांव भोपाल में और एक पांव दिल्ली में, तो हमारे भैया को
मनो सबरी मेहनत उनकी धरी रह गई, हमारी मैं भैया की किस्मत दगा दे गई। मन में सोची थी मन की मन में रह गई, हमारे भैया की किस्मत दगा दे गई। चलिए यही अंदाज होता है, यही अंदाज होता है कि सत्ता किसी के पास भी हो, सत्ता पाने के लिए जो जतन किए जाते हैं वो किस तरीके से कवि अपने शब्दों में उकेर देता है, उनको कैसे सोच लेता है, ये वो तमाम शब्द हैं, पंक्तियाँ हैं जो बताती हैं कि शिवराज की जो लाडली बहना योजना थी, भले ही शिवराज मुख्यमंत्री ना बने हो, भले ही उन्हें कुर्सी ना मिली हो, लेकिन अभी भी उनके नाम को लेकर चर्चा होती है और साहित्यकारों की जुबान पर भी उन्हीं के नाम हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आप ही के पास आ जाऊँ, डॉक्टर साहब अनिल शर्मा जी, मयंक नाम जरूर लूंगा मैं। तो किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव को, इस होली को देख रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। इस समय जो वातावरण है वो होली का भी है और राजनीति का, चुनाव का भी है। तो पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन है आज के इस लोकमत में। और हमारे सामने दो बड़ी चीज़ें इस समय है कि एक तो हमारा सबसे बड़ा जो सनातन का त्यौहार है वो है होली। ये होली मिलन का त्यौहार है, यहाँ दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली कैसा त्यौहार है जो दुश्मन को भी गले मिला देता है। दूसरा, साथ में जब चुनावी रंग चढ़ जाता है तो होली में नेताओं का रंग भी साथ में मिल जाता है। अभी चुनाव आयोग की जो मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने उसमें चुनाव आयुक्त ने भी कहा था कि आप किसी के खिलाफ भी हेट स्पीच का इस्तेमाल करें लेकिन दुश्मनी इतना ना पालें कि फिर हाथ मिलाने से भी परहेज हो या शर्म आ जाए। तो निश्चित तौर पर होली का त्यौहार है तो लोग होली खेलें, राजनीति भी करें, लेकिन उतनी सीमाओं को रखें कि ताकि राजनीति का जो सद्भाव है वो कायम रहे। जी डॉक्टर साहब। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि दुश्मनी कभी भी किसी से करो तो सिर्फ इतनी करो कि कभी दोस्ती करो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो साहब, यहाँ पर अभी बहुत सारे रंग बिखरने वाले हैं, हमने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा है, सब में नेता है। और नेताओं के देश में क्या हाल है, नेताओं ने देश को कहाँ से कहाँ ले गए, ऊपर ले गए या नीचे ले गए, वो सब मेरी रचनाओं के माध्यम से आप देखेंगे। उसने कहा बिकूं तो बिकूं, ना बिकूं तो ना बिकूं। उसने कहा बिकूं तो बिकूं, ना बिकूं तो ना बिकूं, पर राजनीति भी कोई विषय है जिस पर मैं कविता लिखूं। तो मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं, मत लिखो, पर एक शर्त है, कपड़ों से ज्यादा आचरण से साफ दिखो। ऐसी छोटी छोटी छणिकाएं हैं जिसे हम गागर में सागर कहते हैं। ऐसी एक अगली छोटी सी छणिका फिर देखिए आप कि एक गुस्ताखी कर रहा हूं, एक गुस्ताखी कर रहा हूं, शायद वो माफ हो जाए। आज तक वो वॉशिंग मशीन नहीं बनी जिसमें गंदी राजनीति साफ हो जाए। तभी एक शख्स झल्ला कर बोला, कहीं तूने भांग तो नहीं पी, जानता है उस वॉशिंग मशीन का नाम है बीजेपी। और अगला देखिए कि राजनीति में मनोरंजन करने वालों का जब भी सम्मान किया जाएगा, राजनीति में मनोरंजन करने वालों का जब भी सम्मान किया जाएगा, यकीन मानिए यह खिताब राहुल ले जाएगा। क्या कहने पप्पू भैया। और मीनू जी, अनुराग जी, ये भी देखिए, विजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं और इधर कुसुम दीदी, अभी आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा इस होली पे एक बहुत अच्छा होली गीत इन्होंने सुनाया, लोकगीत सुनाया, तो बड़ा अच्छा माहौल है। और इधर सूर्यास्त होने वाला है, बड़ा अच्छा दृश्य है और इसी दृश्य का हम लाभ ले रहे हैं कि देखिए कि राजनीति के बाजारों में बड़ी हो रही है गफलत, राजनीति के बाजारों में बड़ी हो रही है गफलत, बोर्ड लगाया मोहब्बत की दुकान, बोर्ड लगाया मोहब्बत की दुकान और बेच रहे हैं नफरत। और एक और देखिए कि किस तरह मत परिवर्तन होता है, वोटर वोट देने जाता है और कब अपना वोट बदल देता है, ये इस दृश्य के माध्यम से आप देखिए कि कल्लू बोला, चुनावी माहौल में पंजे का प्रचार कर रहे भोपू ने मेरे कानों को इतना दुखाया कि उससे दुखी होकर मैं कमल पर मोहर लगाया।
अच्छा है। अच्छा ये भी देखिए कि वे छाती पर मूंग दल रहे हैं, ये हमारे देश में जो एक आरक्षण है वो एक अभिशाप है। इसमें योग्यता तो है वो परेशान है और अयोग्य जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो वे छाती पर मूंग दल रहे हैं और घोड़े को घास नहीं मिलती, गधे गुलाब जामुन खा के पल रहे हैं। अच्छा नेताजी का दुख क्या होता है इस छणिका के माध्यम से देखिए कि नेताजी इसलिए दुखी नहीं हुए कि दुर्घटना हुई, नेताजी इसलिए दुखी नहीं हुए कि दुर्घटना हुई, वो तो इसलिए रो रहे थे क्योंकि वोटर बिना वोट दिए स्वर्गीय हो रहे थे। और एक ये भी बड़ा अच्छा है कि नेताजी जब कहीं सभा करते हैं जाते समय वो हाथ हिलाते हैं, तो वो दृश्य को आप देखिए कि उसका अर्थ क्या होता है। मैंने उसका क्या अर्थ लगाया कि नेताजी जाते समय हाथ हिला रहे थे, नेताजी जाते समय हाथ हिला रहे थे और दृश्य वह देखते ही बना लगा कि कर रहे थे मना। अच्छा एक और है कि घोड़ों के बीच गधे को कैसे पहचाने, घोड़ों के बीच गधे को कैसे पहचाने, यह बात किसी नेता से जाने। तो ये कुछ छणिकाएं हैं और जो एक कुछ छणिकाएं मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, बड़ी अच्छी छणिकाएं हैं। आजकल देश का माहौल है और देश में सारे नेताओं ने अपनी अपनी पहचान बना ली है, तो मैं वहीं तक आपको लेके जाऊंगा और एक बहुत अच्छे नेता की पहचान भी आपको बताऊंगा। तो ये देखिए कि नेताजी आश्वासनों के फटे चीथड़े सिलने लगे, नेताजी आश्वासनों के फटे चीथड़े सिलने लगे, जनता को चुनावी संकेत मिलने लगे। और अब नेताजी जो है रंग से क्यों डरते हैं कि नेताजी पहले बहुत खेलते थे होली, नेताजी पहले बहुत खेलते थे होली, अब उन्हें डर लगता है पता नहीं किस बंदूक नुमा पिचकारी से निकल जाए गोली। अच्छा गुस्सा कब आता है, नेताजी को गुस्सा आता तो उनका गुस्सा कैसे होता है कि रंगों की बात करते ही वे इतने लाल पीले हो गए, रंगों की बात करते ही वे इतने लाल पीले हो जाते हैं कि होली पर रंग ही नहीं लगवाते हैं। और ये भी देखिए जी अपना भी रंगीन नजारा है। अच्छा मेरा मित्र मेरे पास आया मन ही मन हर्षाया और बोला मेरा लड़का क्लास में टॉप आया है, बाकी सब फेल हैं, इसने सप्लीमेंट्री लाया है। और ये सत्ता का रंग जब नेताजी पर चढ़ता है तो नेताजी पर सत्ता का ऐसा रंग चढ़ा है कि अच्छे से अच्छा रंग भी उनके सामने फीका पड़ा है। और एक अंतिम छणिका देखिए, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, आपको पसंद आएगी कि नौटंकी बाजों का ईमानदारी से जब भी सर्वे करवाया जाएगा, नौटंकी बाजों का ईमानदारी से जब भी सर्वे करवाया जाएगा, आप विश्वास कीजिए यह खिताब अरविंद केजरीवाल ले जाएगा, यह खिताब अरविंद केजरीवाल ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूब मयंक जी, बहुत खूब। और सुधा दुबे जी भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी रचनाओं में क्या नजर आता है। धन्यवाद अनुराग जी, और बहुत सुंदर नजारा है, सूर्य अस्त हो रहा है, उसके रंग जो है पानी में घुल रहे हैं, और मयंक जी की छणिकाओं में राजनीति का रंग उभर कर आया है। तो मैं अपनी कुछ छणिकाओं से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले राजनीति की जो बात करी है, हम नेताओं की बात करते हैं, हमने नेताजी को सादर नमस्कार किया। अच्छा। हमने नेताजी को सादर नमस्कार किया, उन्होंने कहा, हमने कहा हम मूर्खों को नमस्कार नहीं करते। अच्छा। उन्होंने कहा हम मूर्खों को नमस्कार नहीं करते, हमने कहा आप नहीं करते तो क्या हुआ, हम तो करते हैं। इसी संबंध में एक और, हम समस्याएं हमारी लिस्ट बढ़ती जा रही है, और हम वोट देने के समय जब चुनाव में खड़े होते हैं नेता लोग, तब दुनिया भर के वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं,
तो उसी पर मेरी एक क्षणिका है, राष्ट्रीय समस्याओं को, राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में हम शिवाजी के अनुगामी हो रहे हैं। राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में हम शिवाजी के अनुगामी हो रहे हैं। वे घोड़े पर सोते थे, वे घोड़े पर सोते थे, हम घोड़े बेच कर सो रहे हैं, हम घोड़े बेच कर सो रहे हैं। एक और आजकल बच्चों से ज्यादा भाई नेता लोग हैं, गाड़ियों में चलते हैं तो उनके कुत्ते भी उनके साथ घूमते हैं। बच्चा भले आया के भरोसे पल रहा हो, बड़ा अच्छा विषय उठाया आपने। उस पर चार लाइनें मेरी क्षणिका। वो अपना पशु प्रेम इस तरह दिखाते हैं, वो अपना पशु प्रेम इस तरह दिखाते हैं, बच्चे को रोता छोड़कर कुत्ते को घुमाते हैं। क्या बात है। इसी संबंध में एक में होली की हुड़दंग रचना है, हास्य की, वो सुना रही हूँ। इस होली पर नेताजी ने गटगट पीली भंग। इस होली पर नेताजी ने गटगट पीली भंग। भंग का और होली का कुछ अच्छा कनेक्शन है, अच्छा कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, कॉम्बिनेशन रंग और भंग। शुरू हुई फिर घर में मेरे होली की हुड़दंग। शुरू हुई फिर घर में मेरे होली की हुड़दंग। नीचे बिस्तर लगा रखा था, ओढ़ रखी थी खाट। नीचे बिस्तर लगा रखा था, ओढ़ रखी थी खाट। दोनों हाथों भरवर मिट्टी धूल रहे थे चाट। बिना बात के हंसते जाएं मुझे दिखाएं दांत। फूट फूट कर रोते जाएं झटके अपनी लात। पूरे घर को सिर पर लादे छेड़ रखी थी जंग। होली पर नेताजी ने गटगट पीली भंग। साजन नेताजी के घर में, उनकी श्रीमती जी वो भी नेता ही होती है एक तरह की, जैसे हमारी रावड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी गई, गृह मंत्री होती है। जी। साजन खुद को मंत्री समझे, मांगे मुझसे वोट। पीहर को वो बोले विपक्षी बता रहा था खोट। कच्चे ऊपर पहन रखी थी उसने नई लंगोट। पूरे घर में बड़बड़ करते लगा रहे थे लोट। इस होली पर नेताजी ने गटगट पीली भंग। दो लाइनें और है। बच्चों पर वो रोब जमाते करके आंखें तंग। इस होली पर नेताजी ने गटगट पीली भंग। अच्छा है। एक और कुछ, हाँ बिल्कुल, एक मेरी आम पर व्यंग रचना है, आम और खास। अच्छा अच्छा, वो सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, आम और खास, और वो नेता जैसे खास आदमी होते हैं उनके लिए खास VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, और आम आदमी जो है वोट दे के आम हो जाता है, चूस के फेंक दिया जाता है उस पर है। भूख से तड़पते हुए आम आदमी को जब सहारा नहीं मिला तो उसने आम के पेड़ को अपना नामधारी समझकर उसी से जोड़ लिया
अपनत्व का नाता, उसी से जोड़ लिया अपनत्व का नाता। परंतु जैसे ही आम को तोड़ने के लिए उसने बढ़ाया अपना हाथ, वैसे ही होने लगी लाठियों की बरसात, वैसे ही होने लगी लाठियों की बरसात। पगले पगले, इससे तुम्हारा केवल नाम का ही नाता है, पगले इससे केवल तुम्हारा नाम का ही नाता है। आम तो हमेशा खास आदमी ही खाता है, आम तो हमेशा खास आदमी ही खाता है। आम खाना हो तो खाओ, आम खाना हो तो खाओ, लेकिन पहले चूसने की कला सीख कर आओ, पहले चूसने की कला सीख कर आओ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये समय ये जो गुजरता चला जा रहा है और पता नहीं चल रहा है सूर्यास्त होने को है, तो इतना समय बीत गया और अब फिर मौका है आखिरी चरण में हम एक बार और फाग गीतों का मजा ले लें कि किस तरीके से होली का रंग यहाँ पर जमता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या सुनाने जा रहे हैं आप लोग? इसमें हम लोग इस ढलती सूरज की सांझ, सुहानी सांझ में हम फिर से एक आप लोगों का मनोरंजन के लिए एक फिर से एक फाग गीत हम लोग सुना रहे हैं आपको, तो सुनिएगा। चलो ओ मोरी भीगी, ओ मोरी भीगी, ओ मोरी भीगी चुनरी सारी रंग डाल गयो गिरदारी, ओ मोरी भीगी चुनरी सारी रंग डाल गयो गिरदारी, ओ मोहे बार मारे पिचकारी रंग डाल गयो गिरदारी, ओ मोहे भर मारे पिचकारी रंग डाल गयो गिरदारी। बरसाने की मैं हूँ गोरी मोरी बैया गाहे मरोड़ी, बरसाने की मैं हूँ गोरी ओ मोरी बैया गाहे मरोड़ी, ओ बड़ो नटखट, ओ बड़ो नटखट मुरली दानी मोहे मार गयो पिचकारी, ओ बड़ो नटखट मुरली दानी मोहे मार गयो पिचकारी, ओ मोरी भीगी चुनरी सारी मोहे मार गयो गिरदारी। राधा ने सखियां बुलाई, राधा ने सखियां बुलाई, कहाँ ढूंढो कृष्ण कन्हाई, कहाँ ढूंढो कृष्ण कन्हाई, ओ कहाँ छुप गयो, ओ कहाँ छुप गयो, कहाँ छुप गयो कृष्ण मुरारी मोहे मार गयो पिचकारी, ओ मोरी भीगी चुनरी सारी रंग डाल गयो गिरदारी। सखियां नखीले कर दौड़ी राधा, अनखीले कर दौड़ी राधा खेलन आई होरी, राधा खेलन आई होरी, ओ ना छोड़ू, ओ ना छोड़ू तो है बनवारी मोहे मार गयो पिचकारी, मोरी भीगी चुनरी सारी मोहे मार गयो पिचकारी। बरसाने में धूम मचाए सारी गोपियां रंगी हुई है, बरसाने में धूम मचाए सारी गोपियां रंगी हुई है, ओ रंगी मथुरा, ओ रंगी मथुरा, रंगी मथुरा नगरी सारी मोहे मार गयो बिजकारी, ओ मोरी भीगी चुनरी सारी रंग डाल गयो गिरदारी, रंग डाल गयो गिरदारी, रंग डाल गयो गिरदारी। वाह वाह वाह। तो इस बार होली आप जरूर खेलें और होली पर सात रंगों का, इंसानियत का इंद्रधनुष बन जाएगा और देश का मौसम भी बदल जाएगा, तो होली जरूर खेलिए और चुनाव में अपने वोट का भी इस्तेमाल जरूर करिए ताकि एक साफ और स्वच्छ सरकार चुनने में आपका वोट मददगार साबित हो। तो लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट, और आप लगातार बने रहिए। होली है, होली है।